पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज टू इलाके के सर्वोदय बाल विद्यालय में दसवीं की परीक्षा देकर स्कूल से बाहर निकले चार छात्रों पर कुछ लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घायल छात्रों की पहचान गौतम, रेहान, फैजान और आयुष के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि सभी छात्र मयूर विहार फेज टू के सर्वोदय बाल विद्यालय में दसवीं की परीक्षा देने के लिए आए थे। परीक्षा देकर जैसे ही सभी छात्र स्कूल से बाहर निकले, तभी कुछ लड़कों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए सभी छात्र पास के पार्क की तरफ भागे, जहां पीछा करते पहुंचे हमलावर लड़कों ने चार छात्रों को चाकू मारकर घायल कर दिया। मौके पर मौजूद दूसरे छात्रों ने घायल छात्रों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में दाखिल कराया, जहाँ सभी का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंची पांडव नगर थाना पुलिस को पार्क में कई जगह खून के निशान मिले हैं। फिलहाल हमलावर लड़के कौन थे, इसकी जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम जी, जिसको चाकू लगा है, क्या लगता है, क्या नाम है? मेरा भतीजा है, रियान है, साली का लड़का मेरी सगी। क्या हुआ था? वो स्कूल से पेपर देकर निकला है और कुछ लड़के बाहर के आए बदमाश टाइप के, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, दचा उन्होंने चाकू मारना चालू कर दिया। तो चाकू उनको कहाँ का लगा है, कुछ मालूम है? हाँ, एक सर में लगा हुआ पीछे, और जो दो चाकू जांघ में लगे हुए हैं उसके लिए। अभी क्या हाल कैसा है बच्चे का? हालत अभी जो है एडमिट कर रखा है, ग्लूकोज चल रहा है, खून काफी बह गया है। तीनों बच्चे, दो चाकू कोई पकड़े गया कि नहीं पकड़े? नहीं, अभी कोई नहीं पकड़ा भाई। क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन, क्या लगा था आपने, क्या हुआ था? मैं तो कुछ नहीं था, वो मेरे पास भागा भागा आया था, जिस लड़के को मैं लेके आया था, तो मेरे से बोला भाई मेरे चाकू मार दे, चाकू मार दिया। फिर मेरे साथ एक लड़का और था, फिर इसे रिक्शे में डाल कर हॉस्पिटल लेके आए थे। कितने लोग थे जिसको चाकू लगे हैं? तीन लोग थे। मतलब क्या वजह है चाकू मारने, कुछ मालूम चला? ये तो मुझे नहीं पता। सर लास्ट पेपर बच्चे कहाँ पढ़ने वाले थे? हैं, बच्चे कहाँ पढ़ते थे? जहाँ पर हमारा सेंटर गया था वो तो यहाँ पर मेरे भाई फेज टू नीला माता मंदिर के पीछे सर्वोदय बाल विद्यालय स्कूल, और हमारा जो स्कूल है वो त्रिलोकपुरी में दिल्ली। जिसको जिसको चाकू मारा, क्या नाम है वो बच्चों का? एक का नाम गौतम है, जिसको मैं लेके आया था, और एक का नाम आयुष गुप्ता, एक का नाम आयुष गुप्ता बताओ बेटा, और दूसरे का रोहन शायद, और एक का नाम रिहान। एक का नाम रिहान। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।